सरकार को सहयोग में दिगो तथा सम्मानित रोजगारी का लगी सीप परियोजना दोसरो चरण कार्यान्वयन का लगी प्राप्त होने स्विस फ्रैंक 14.7 मिलियन करीब 1,93 करोड़ अनुदान सहायता स्वीकार करने मेवार नलगाड़ सब स्टेशन निर्माण स्थल में पड़े 2 जना व्यक्ति को जगह को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने स्वीकृति दिने ढल्के भर नुहारपट्टी 132 केवी प्रसारण लाइन को टावर निर्माण करना आवश्यक पड़ने जगह प्राप्ति करना स्वीकृति दिने माओवादी सेना का घाइते अपांग लड़ाकू सशस्त्र द्वंद्व ऐतिहासिक जनआंदोलन र मधेश आंदोलन का घाइते अपाङ्गहरूका लागि पुनर्स्थापना एवं हेरचाह दोस्रो संशोधन निर्देशिका 2078 स्वीकृत गर्ने आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट वक्तव्य मार्फत 33% वृद्धि भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक भत्ता कायम गर्ने नेपाल परराष्ट्र सेवा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी का उपसचिवहरू श्री कृष्णचन्द्र अर्याल र धनबहादुर ओली को राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी को पद में बढ़ुआ करने युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष को कार्यकारी निर्देशक में श्री विश्वमोहन अधिकारी कास्की नियुक्त करने खोटाङ जिला स्थित मुड़े ब्यारेक में तैनात श्री गोर्खागण को लगी आवश्यक पड़ने स्थानीय व्यक्ति को करीब 24 रोपनी जगह मुआवजा दिने गरी प्राप्त गर्न स्वीकृत दिने कोविड विरुद्ध को खोप क्लिनिकल ट्रायल गर्न अनुमति प्रदान गर्ने नेपाल मेडिकल काउंसिल को रिक्त सदस्य पद में विराटनगर 2 मोरुङका डाक्टर विक्रांत ढकाललाई नियुक्त गर्ने राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी का सहसचिव श्री राजकुमार श्रेष्ठलाई विशिष्ट श्रेणी को सचिव को पद में बढ़ुआ गर्ने धितोपत्र संबंधी ऐन 2063 को दफा 7 को उपदफा 7 बमोजिम बोर्ड का अध्यक्ष का संबंध में छानबीन करी प्रतिवेदन पेश करना उच्च अदालत का पूर्व न्यायाधीश श्री अनंतराज डुमरे को अध्यक्षता में विज्ञ सदस्य प्रा नारायण प्रसाद पौड़ेल र कानून आयोग का सहसचिव श्री अर्जुन कुमार खटका सदस्य रहेको जाँचबुझ समिति गठन गर्ने हुम्ला जिल्लाको नामखा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चादेखि हिलसासम्मको सीमा क्षेत्रको सम्बन्धमा उठेका समस्या अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा नापी विभाग नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल र सीमा विज्ञ रहेको समिति गठन गर्ने माउंट के 2 आरोहण करने श्री दावा तेन्जिंग शेर्पा दोलखा समेत को नेपाली पर्वतारोहीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप प्रति आरोही 1,00,000 रुपया को दरले रकम उपलब्ध कराने धन्यवाद।